नमस्कार, प्रणाम, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को हाल ही में एक 15 साल की नाबालिग ने जान से मारने का धमकी दिया था। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि मैंने कुछ समय पहले आप लोगों को बताया था कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का सबसे जो मुख्य आरोपी है वो केकरा बताया जाता है। चूँकि केकरा वही था जिसने सिद्धू मूसेवाला के घर पर जाकर के चाय पिया था और उसके साथ सेल्फी भी लिया था और बाद में उसके बारे में सब कुछ कातिलों को बता दिया और बाद में सिद्धू मूसेवाला को 29 मई 2022 को गोली मार दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हाल ही में केकरा को जेल में पीटा गया, साथ ही साथ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एक 15 साल के नाबालिग ने जान से मारने का धमकी दिया था, तो ये दोनों मामले का आखिर हुआ क्या, तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दरअसल सबसे पहले हम चर्चा करना चाहते हैं कि आज के समय में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो कि पंजाब पुलिस के पास है, लेकिन पंजाब पुलिस के पास होने के बावजूद भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एक 15 साल के नाबालिग ने धमकी दिया था। दरअसल बताया जाता है कि एक नाबालिग जो कि इंस्टाग्राम के माध्यम से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने का धमकी दिया, और उस नाबालिग ने धमकी इसलिए दिया था क्योंकि बताया जाता है कि वो नाबालिग सिद्धू मूसेवाला का बहुत बड़ा फैन था। दरअसल बताया जाता है कि सिद्धू मूसेवाला को केवल भारत के लोग ही नहीं बल्कि भारत के अलावा अन्य देशों के लोग भी पसंद किया करते थे, और ये भी बताया जाता है कि सिद्धू मूसेवाला का सबसे बड़ा फैन ये 15 साल का नाबालिग था। इसीलिए बताया जाता है कि इस नाबालिग ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का बदला लेने के लिए इंस्टाग्राम के माध्यम से लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के लोगों को धमकी दिया था। बताया जाता है कि हाल ही में इस नाबालिग का गिरफ्तारी कर लिया जा चुका है, और गिरफ्तारी के बाद जब इससे पूछताछ करा गया तो पूछताछ में इसने बताया कि हमने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद इसलिए धमकी दिया क्योंकि मैं सिद्धू मूसेवाला का बहुत बड़ा फैन था और मुझे बहुत दुख हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के लोगों ने उसका कत्ल कर दिया, तो मैं चाहता था कि मैं किसी भी तरह से बदला लूँ, लेकिन जब मैंने इंस्टाग्राम के माध्यम से बदला लेने का बात कहा तो उसके बाद लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक करना शुरू कर दिया, मेरे पोस्ट को लाइक करना शुरू कर दिया और दिन ब दिन मेरा फॉलोवर्स बढ़ना शुरू हो गया। तो साधारण तौर पर आप ये समझ सकते हो कि उस बच्चे ने, ये जो 15 साल का नाबालिग है, इसने धमकी इसलिए दिया था ताकि धीरे धीरे इसका हो ये रहा था कि इसका फॉलोवर बढ़ना शुरू हो गया, और जैसे जैसे इसका फॉलोवर बढ़ने लगा तो इसके अंदर एक तरह का लोभ हो गया कि हमारा फॉलोवर तो बढ़ ही रहा है। और इस तरह से बताया जाता है कि जब पुलिस वालों ने इसे गिरफ्तार करा तो गिरफ्तारी के बाद उससे और भी जाँच पड़ताल करा गया और भी पूछताछ करा गया, और पूछताछ के बाद ये पता चला कि ये बच्चा दरअसल असल मायने में चाहता था कि इसका फॉलोवर धीरे धीरे बढ़ता चला जाए। अब आगे चर्चा करते हैं कि सिद्धू मूसेवाला के बारे में बताने वाला केकरा, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आखिर केकरा के साथ क्या हुआ। बताया जाता है कि सिद्धू मूसेवाला का सबसे मुख्य कातिल केकरा, जिसने सिद्धू मूसेवाला के बारे में रिपोर्ट दिया था, तो केकरा के बारे में बताया जाता है कि उसे जिस जेल में शिफ्ट करा गया था उस जेल में बम्बिहा गैंग के लोगों ने उसका पिटाई कर दिया, और उसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट को जैसे ही पता चला तो उसके बाद बताया जाता है कि केकरा को दूसरे जगह जेल में शिफ्ट करा गया है। तो बता दें कि आज के समय में केकरा का जिंदगी भी झंड है, साथ ही साथ सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में जितना भी कातिल शामिल था हर किसी का जिंदगी झंड है, और एक एक करके हर किसी को गिरफ्तार करा जा रहा है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आखिर किस तरह से एक 15 साल के नाबालिग ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने का धमकी दिया। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये भी बताया कि केकरा जो कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का मुख्य किरदार है, तो केकरा के साथ भी जेल में क्या हुआ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नया खबर मिला होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को भी फॉलो अवश्य करना। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री महाकाल। आशा करता हूँ कि इस खबर के बाद आप किसी भी तरह के आपराधिक काम को अंजाम नहीं दोगे, और ना ही मैं किसी भी तरह से अपराध और अपराधियों का समर्थन करता हूँ। तो बस नमस्कार, प्रणाम, जय श्री महाकाल। अपराध और अपराधियों से हमेशा दूरी बनाकर रखें।